सुनो जी बोलिए। मैंने राहुल को यहाँ बुला लिया है। वैसे भी उसके माँ बाप की मौत के बाद हमारे सिवा कौन है उसका? ये तो आपने बहुत अच्छा किया। कब आ रहा है राहुल? कल आएगा। चलो अच्छा है, राहुल के आने से एक घर हरा भरा लग जाएगा। बिल्कुल। अरे राहुल आ गया, आ जा। नमस्ते दादाजी। आ जा बेटा। कौन मेहमान आया है घर पे? अरे भाई राहुल आया है। नमस्ते दादी। खुश रहो बेटा। भाई राहुल आया है, चाय पाने की व्यवस्था होगी? हाँ हाँ जरूर, अभी लाती हूँ चाय और नाश्ता। बेटा बेटा राहुल, सुनील तो तुम्हें हमसे कभी मिलवाने लाया ही नहीं, और जब से वो घर छोड़कर गया है गुस्से में कभी लौट कर नहीं आया। उसे मेरी दूसरी शादी करना मंजूर नहीं था, लेकिन मैं क्या करता? यदि मैं दूसरी शादी नहीं करता तो सुनील और घर को कौन संभालता? जी दादा, मैं समझ सकता हूँ आपकी सिचुएशन। हो सकता है आपको उस टाइम भी यही सही लगा होगा। मुझे अपने बेटे सुनील की बहुत चिंता थी। यदि मैं दूसरी शादी नहीं करता तो सुनील को और घर को कौन संभालता? ये लीजिए चाय पीजिए। दादी मैं कॉलेज जा रहा हूँ। अच्छा सुन, नाश्ता तो करके जा। दादी मुझे पहले ही काफी देरी हो गई, और आज कॉलेज का फर्स्ट डे है ना, तो ज्यादा देर करना ठीक नहीं है। अच्छा सुन, जल्दी आ जाना घर पे, मैं तेरे लिए खाना बना के रखूंगी। ओके दादी, बाय बाय। अरे तुम आ गए बेटा। हाँ दादी। बहुत थक गया ही लगता है। तू बैठ, तेरे लिए गर्मा गर्म खाना लेकर आती हूँ। ये ले बेटा, तेरे लिए देख मैंने कितने प्यार से खाना बनाया है। थैंक यू दादी। तुझे पनीर की सब्जी पसंद है ना? हाँ दादी। और तुझे क्या क्या पसंद है खाने में? मुझे मशरूम की सब्जी पसंद है। वैसे मुझे लगता है आप जो भी बनाओगे टेस्टी बनाओगे। तू मुझे बता देना, मैं तुझे उस नया खाना बना के खिलाऊंगी। ओके। अरे आपने क्यों तकलीफ की, मैं प्रेस कर लेता ना। मैंने प्रेस किया तो क्या हुआ, मैं अच्छा नहीं लगा? ऐसे तुम शर्माते बहुत। नहीं नहीं दादी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। सबके सामने ठीक है, लेकिन अकेले में तुम मुझे दादी जी नहीं, नाम से बुलाया करो। मगर वो मगर बिगर क्या करते हो, अकेले में तुम मुझे शांति बुलाया करो।
अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ, जल्दी तैयार हो जा। ये लो बेटा, ये दूध पी लो तुम। अरे आपने क्यों तकलीफ की? इसमें तकलीफ की क्या बात है, पी लो। अब तुम आराम करो। हाँ दादी। कुछ चाहिए तो मुझे बोलना। ठीक है। राहुल, राहुल, मुझे ऑफिस के काम से कल बाहर जाना पड़ेगा। कितने दिन के बाद आओगे? 4-5 दिन। ठीक है, अभी जल्दी सो जाते हैं। ठीक। कल जल्दी उठना है ना? ठीक। क्या हुआ? देखो तुम्हारा और मेरा वीडियो, वेरी नाइस। देखो देखो, अगर ये वीडियो मैं तुम्हारे दादाजी को बता दूं तो। ये वीडियो कब की है? आप प्लीज इसे डिलीट कर दो। इतना जल्दी भूल गए? ये डिलीट करने के लिए मैं जैसा कहती हूँ वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। करोगे ना डियर? करोगे ना? अरे भाई रुको, कहाँ जा रहे हो? छोड़ो यारों वारों को, आज हमारे साथ बैठो, कभी तो हमारे साथ भी समय बिताया करो। दादाजी आप समझने की कोशिश करिए, मेरा वेट कर रहा होगा वहां नोट्स लेके। मैं 2-3 घंटे में वापस आ जाऊंगा। ठीक है, अब तक मैं भी आराम कर लेता हूँ, जल्दी आना। हाँ। रुको, कहाँ जा रहे हो? सुनाई नहीं, दोस्त के पास जा रहा। मैंने कहा रुको तो रुको। तुम अपनी दादागिरी किसी और के पास दिखा, मेरे पास, समझी? मैं तो समझ गई, लेकिन तुम भी एक बात समझ लो, अगर मैंने तुम्हारी मेरी वीडियो दादाजी को दिखा दिया तो दादाजी तुम्हें इस घर से धक्के मार के निकाल देंगे। बोलो दिखा दो वीडियो। नहीं ना, तो फिर से मैं कहती हूँ ऐसा तुम्हें करना पड़ेगा। तुम अपने कमरे में जाओ, मैं 10 मिनट में आती हूँ। अरे राहुल क्या बात है, काफी परेशान लग रहा है, क्या बात है? यार जीना हराम कर दिया उसने मेरा, जब देखो तब मेरे साथ हो।
मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमेशा वीडियो दिखाकर मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है। यार तो उसके फोन से वीडियो डिलीट क्यों नहीं कर देता? तुझे क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की? अरे वो फोन छोड़े तब तो वीडियो डिलीट करूं। तू टेंशन मत ले, एक रास्ता है मेरे पास। हेलो। हाँ दीपक। हाँ बता। प्लान के मुताबिक मैंने उसकी कॉफी में नीम की गोलियां मिला दी। जब तक उसे होश आएगा तब तक उसके फोन से मैं वो वीडियो डिलीट कर चुका हूँ। वेरी गुड। तो एक काम कर, तो प्लान के मुताबिक चल, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस एक बार उसके फोन से वो वीडियो डिलीट हो जाए फिर वो मेरा कुछ। बैठू, मैं तो सो भी जाती हूँ। लेकिन डियर, आज मेरा कॉफी पीने का बिल्कुल दिल नहीं है। और तुम मुझे क्या बेवकूफ समझ रहे हो? मतलब तुम मुझे कॉफी में नीम की गोली मिलाकर मुझे बेहोश कर दो और मेरे मोबाइल से सब वीडियो डिलीट कर दोगे, है ना? प्लीज वो वीडियो डिलीट कर दो। वीडियो डिलीट कर दो? लो अपने हाथों से सब वीडियो डिलीट कर दो। कर दिया? हाँ। इस मोबाइल से तो वीडियो डिलीट कर दिया, लेकिन दूसरी जो कॉपी है उसका क्या करोगे? प्लीज जहाँ जहाँ भी वीडियोस है प्लीज आप डिलीट कर दो। आपको मुझे परेशान करके क्या मिलता है? सुकून, वो सुकून जो तुम्हारे दादाजी मुझे कभी नहीं दे सके। ये जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा तुझे। मार डालो? मुझे मार डालोगे? लेकिन सोचो, तुम्हारे दादाजी के हाथ अगर वीडियो लग गए तो क्या होगा? जो भी हो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा तुझे। तुम मुझे मार डालोगे? मार डालूंगा मैं, नहीं छोड़ूंगा जिंदा। तुम मुझे मार डालोगे? लगता है मुझे राहुल के घर जाना चाहिए, इसी मुसीबत में फंसा है वो। अरे क्या कर दिया मैंने, अब मैं क्या करूं? अब क्या करूं? ये तो मर गया, क्या करूं? क्या करूं मैं? हेलो, आप जल्दी से आ जाइए, राहुल को कुछ हो गया है, आप जल्दी से आ जाइए। क्या हो रहा है ये? इसको क्या हो गया? देखो ना, राहुल ने मेरे साथ कैसी हरकत की, उसने मेरे साथ बदतमीजी की। बदतमीजी की? तो मैंने गुस्से में आके उसे मार दिया। अरे मार दिया,
वो तुम्हारा पोता था। देखो अभी किसी को कुछ नहीं बोलना, मैं पुलिस को फोन करता हूँ। जरूर कीजिए आप पुलिस को फोन, ताकि मेरे दोस्त का कातिल पकड़ा जाए। तुम कौन हो भाई? मैं दीपक। दीपक कौन? राहुल का दोस्त। और यहाँ क्या कर रहे हो? आपको नहीं पता है ये औरत राहुल को ब्लैकमेल करती थी वीडियो बना बना के। ये देखो तुम्हारे पास क्या प्रूफ है ये वीडियो मैंने बनाए। सबूत? सबूत चाहिए आपको? अभी सबूत भी दिखा देता हूँ आपको मैं। ये सुनो, इन दोनों के झगड़े की रिकॉर्डिंग इसमें हो गई है। प्लीज प्लीज वो वीडियो डिलीट कर दो, आपको मुझे परेशान करके क्या मिलता है? सुकून, वो सुकून जो तुम्हारे दादाजी मुझे कभी नहीं दे सके। सुना आपने? इतनी घटिया हरकत, ये तुम्हारा पोता था और तुमने इससे हरकत की। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। दादाजी आप ठहरिए, मैं पुलिस को फोन करता हूँ। हेलो पुलिस स्टेशन,